Hello dear students, it's the right time to sharpen your tools, to improve your skills, and it's my duty to provide you the required sharpening tools to get the required success. Okay, today we are ready to start with Kirchhoff's current law. ठीक है, मैंने किलर जानबूझ के नहीं पढ़ा था यार. इट इज़ रिटन, थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है आप लोगों के लिए, आपको फील भी हो रहा होगा सेट वाई हैव रिटन द किलर वर्ड देयर सर. रीजन बिहाइंड इट दैट KCL, विच वी यूजुअली कॉल इट, इट इज़ नोन टू बी एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. इट्स लुक्स टू बी एज और सीम्स टू बी एज वेरी सिंपल, यू हैव डन द वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन इट, सो मेनी क्वेश्चन यू हैव डन ऑन दैट. बट टूडे इट्स अ क्वेश्चन ऑन KCL बट इन अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर. आई विल नॉट कॉल इट एज अ डिफिकल्ट वन, आई विल कॉल इट एज हाईली कंसेप्चुअल एंड इट इज़ अ राइट टेस्ट टू टेस्ट द टैलेंट. ये सही तरीका है टैलेंट को टेस्ट करने का. जी नीट इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों के लिए. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम NTA अभ्यास, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपको फील भी होगा सर बहुत जल्दी कर सकते हैं. So it is a circuit which will be shown to you. Three branches are there. In branch 1 current is I1, in branch 2 current is I2, and in branch 3 current is I3. And you know that it is nothing but it will be the electrical junction. Aur junction ka naam aate hi to aapko KCL ka dhyan aata hi hai. I1 is given to you as 3 sin omega t. The value of omega is not given. I2 is given to you 4 cos omega t. And I3 is required to be calculated. अब स्टूडेंट को ये फील होता है सर इट इज सिंपली ए क्वेश्चन ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन पे मुझे अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट जीरो करना है एंड दिस इज द सिचुएशन हियर. सो I1 एंड I2 आर द इनकमिंग करंट्स एंड I3 इज द आउटगोइंग करंट. आई टोल्ड टू यू दैट इन दिस केस इनकमिंग शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू व्हाट, इनकमिंग शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू आउटगोइंग. तो इनकमिंग I1 और I2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट I3. अब इन जनरल जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो समझना पड़ेगा. अब जो स्टूडेंट है ना उसको एक तकलीफ होती है, वो कहता है सर आई हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इनिशियली, ये मैंने 12th बोर्ड में भी किया था और फिर और भी आगे किया. सपोज इट वॉज 3 एम्पियर, इट वॉज 4 एम्पियर, देन इट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड. तो ये 3 और ये 4 और ये 7 हो जाता है ना. लेकिन डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस समझिए, इफ करंट इज 3 एंड करंट इज 3 साइन ओमेगा टी, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. If current is 4 and current is 4 cos omega t, things are very different. बहुत अलग अलग जमाने की चीज है. This is simply nothing but this is the DC. Direct current है ये. ये अपना value with respect to time vary नहीं करता है. लेकिन ये दोनों currents तो यार DC नहीं है. ये दोनों currents तो क्या है? One is sinusoidal AC and one is cosinusoidal. और cosinusoidal, sinusoidal different नहीं होते. Same shape है, सब कुछ shape है. Same है, सिर्फ आपका cosine जो है ना, वो sine से कितना degree आगे चलता है? 90 degree आगे चलता है. अब स्टूडेंट को ये लगा कि सर इस तरह का क्वेश्चन तो आप याद कीजिए कि आपने KCL कब पढ़ा था. So you studied the Kirchhoff's current law during current electricity, just after electrostatics and capacitance. हम सब लोग आपको पढ़ाते हैं और उस समय तक याद कीजिए आप अपने alternating sources, alternating current source, alternating voltage source के बारे में. उस समय तक पढ़ा ही नहीं था because AC तो अभी आप electric current के बाद में magnetic effect of current पढ़ेंगे, फिर electromagnetic induction पढ़ेंगे, तब जाके क्या आएगा, तब जाके AC आएगा. तो अब स्टूडेंट को ऐसा फील होता है जो सिंसियर है, उसको लगता है यार व्हाट हैड डन, क्या हो गया ऐसा, ये जो करंट है ये तो डेफिनेटली एसी है और जब मैंने केसीएल के क्वेश्चन किए थे तब तक ये करंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं था. तो जो जिसे कहते हैं ना सेंसिबल चाइल्ड जो है वो तो इस क्वेश्चन को रोक लेगा, सर कुछ गलत हो सकता है, अननेसेसरी, मैं जब तक मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक इसे नहीं करूंगा. एंड इट इज़ अ राइट अप्रोच, बिल्कुल ठीक है. तो आज अपने कंसेप्ट्स को भी आप क्लियर कर लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ जाइए किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है. बट अब आप ये समझ गए होंगे कि NTA आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने अच्छी तरह के नए फ्लेवर के क्वेश्चन आपको दे रहा है और उस क्वेश्चन को आप अपने जिसे कहते हैं ना स्कोरिंग के लिए तो वो काम आएगा ही सही, बिकॉज NTA नहीं JEE मेंस करवाना है, उसी ने आपका नीट करवाना है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आप यदि इन्हें करेंगे तो दूसरों से डेफिनेटली क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे. चलिए ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है.
कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है दैट आई थ्री शुड बी इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। अब आई वन की वैल्यू रखेंगे तो कितनी रखेंगे, जल्दी से बोलिए, इट शुड बी थ्री साइन ओमेगा टी, और आई टू की वैल्यू रखेंगे तो कितनी रखेंगे, फोर कॉस ओमेगा टी। इनको सम अप करने के लिए मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको, फिर मुश्किल से एक आध मिनट में आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो सपोज यू से दैट देयर इज गोइंग आउट टू बी एस ए साइन ओमेगा टी इज अ टर्म, देयर गोज आउट टू बी एस बी कॉस ओमेगा टी इज अ टर्म, एंड यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैम, यू वॉन्ट टू एड दैम। कई बार सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, बट अभी एडिशन है, क्योंकि दिस इज एडिशन सिंपली, इज दैट क्लियर। तो अभी मैं एडिशन की बात करूं, तो वाई, अब इनका जब भी आपको इस तरह का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जब भी आता है, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इमीजिएटली राइट इट एज वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इमीजिएटली राइट इट। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सीख गया दैट आई थ्री शुड बी इक्वल्स टू, आई थ्री शुड बी इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू थ्री साइन ओमेगा टी प्लस फोर कॉस ओमेगा टी। इट शुड बी रिटन एज लाइक दिस, इट विल बी, एंड इट इज साइन हियर ओमेगा टी प्लस एंड थीटा। अब मुझे क्या करना है, एक तो इस पोजीशन पे वैल्यू चाहिए कि यहां व्हाट वैल्यू आई विल बी एबल टू गेट, और एक इस पोजीशन पे वैल्यू चाहिए, एंड देन आई कैन से दैट दिस इज द आंसर फॉर आई थ्री। फिर मैं कह दूंगा कि आई थ्री का आंसर है। तो अब कैपिटल है, ये तो अननोन है आपको, मैंने ये तो कह दिया है साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी विल बी इक्वल्स व्हाट कैपिटल है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो कह दिया मैंने आपको, और आपको ये भी कह दिया दैट यू शुड हैव टू गो थ्रू इट, यूज करना है डायरेक्टली, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है वहाँ पे, इसलिए इस चीज़ को आपको यूज तो करना ही करना है डियर स्टूडेंट्स। आपने कहा ठीक है सर, हम इसको यूज कर लेंगे। अब एक ट्राइंगल बनाई है मैंने आपके सामने, बनाया ये ए, ए को मैंने इस पोजिशन पर इसलिए लिखा है लेट इट इज़ अ जीरो डिग्री लाइन। बी केयरफुल, मैं आपको बहुत इजीली ये चीज़ समझा रहा हूँ, इट इज़ अ जीरो डिग्री लाइन हॉरिजेंटल। अब क्या कीजिए, ये जो कॉस है ना, ए किसके साथ है, साइन के साथ, साइन विद ए, तो ए लिख दिया, कॉस साइन से 90 डिग्री आगे चलता है, तो अब आप यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए, इधर देखिए ए यहां है, 90 डिग्री आगे घुमाइए यूं करके, ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे घुमाएंगे, तो दिस इज बी, बी इज विद हुम, कोसाइन, कोसाइन साइन से कितना आगे, 90 डिग्री, इसलिए आपने ए के परपेंडिकुलर किसको रखा, बी को, एंड राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट कीजिए, एंड ये आपके पास कैपिटल ए आ गया, दिस इज थीटा, ए एंड बी आर नोन, ए एंड बी आर नोन, एंड कैपिटल ए एंड थीटा आर अननोन। इमीजिएटली आपके सामने कैपिटल ए, बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगाया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एग्रीड। यहां से देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा शुड बी इक्वल्स टू, ये रहा टेन थीटा, तो टेन थीटा शुड बी इक्वल्स टू बी बाय ए, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी बाय ए। अब ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल, इसमें कोई आपको इफ एंड बट नहीं करना। तो जो स्टूडेंट है मेरा वो इजीली कहता है सर ए इज, जल्दी देखिए, थ्री साइन ओमेगा टी, तो साइन के साथ में ये थ्री, कॉस के साथ में ये फोर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इज फाइव, तो आप फाइव, एंड यू कैन से कैपिटल ए इज इक्वल्स टू फाइव, तो यहां तो आपने लिख दिया फाइव, और थीटा कितना है आपके पास में, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी बाय टेन इनवर्स फोर बाय थ्री, यहां लिख दिया आपने टेन इनवर्स फोर बाय थ्री, और आप बिल्कुल तैयार बैठे हो कि मेरा आंसर जो आना चाहिए, आई शुड बी इक्वल्स टू, ये जो I3 है, इट शुड बी I3, इट शुड बी इक्वल्स टू 5, ये रहा साइन ओमेगा टी प्लस 10 इनवर्स, 10 इनवर्स, एंड देन 4 बाय, दिस इज 4, एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एस 3 हियर। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूं तो वो भी 5 साइन ओमेगा टी है, सेकंड ऑप्शन देखता हूं वो भी 5 साइन ओमेगा टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों ऑप्शन में यार 5 साइन ओमेगा टी है, अंदर ये जो वैल्यू है ना, ये 10 इनवर्स 4 बाय 3 मिलती नहीं है। मेरे ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो कभी यहां पे आपको मिलता है 53 डिग्री, कभी आपको यहां मिलता है 37 डिग्री, कभी यहां आपको मिलता है 18 डिग्री, और कभी आपको इस जगह पर मिलता है दैट गोज आउट टू बी 72 डिग्री। आ गई बात समझ में। अब जब आप देखोगे
तो मेरे जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो साइन 30, साइन 45, साइन 60 और 90 ये वैल्यू दिख जाते हैं, तब भी एक तरीके से उनको लगता है कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। ये 18 डिग्री, 82 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री ये तो दिखते ही ख़त्म कहानी। चलो यदि मैथ्स का स्टूडेंट है तो वो अननेसेसरी अब देखेगा यार 10 इनवर्स वाला आंसर नहीं है। तो आपको मैं गोल्डन ट्रायंगल सिखा देता हूँ, हमेशा आप इसका यूज़ करोगे हमेशा। और मैंने अपने लंबे करियर में करीब 28 साल के इस एकेडमिक करियर में हमेशा लोगों को यहाँ परेशान होते हुए देखा है, लेकिन जब भी मैंने उन्हें गोल्डन ट्रायंगल सिखाया मैं ईश्वर का आशीर्वाद समझता हूँ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद समझता हूँ कि फिर वो कभी परेशान नहीं हुए। तो कुछ मत करो यार, एक 3, 4, 5 की गिनती लिख लो, कुछ भी मत करो। तो मैंने ये 3, 4 और 5 की गिनती लिखी, ये गोल्डन ट्रायंगल है, सोना ही सोना है यहाँ, इट इज़ सिंपली द गोल्ड, नो सिल्वर एंड नो कॉपर एट ऑल, आयरन की तो बात ही नहीं कर सकते हम। तब मेरे बच्चे ने कहा ठीक है सर 3, 4, 5, अरे यूँ करके ये शूँ इधर देखो यूँ 3, 4, 5 याद रख लोगे थीटा। अब यदि आप इस थीटा की वैल्यू की बात कहेंगे, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, मैं अभी जब आपको ये लेक्चर ख़त्म करके जाऊँगा ना तब मुझे जवाब देना कि सर याद है, जब तुम्हें याद होगा ना तभी मैं ये लेक्चर छोड़ के जाऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा किसी भी हालत में। क्या करना है, हाँ 3, 4, 5 लिख लिया, एंगल कितना, ये 53 डिग्री है बस, ये भी अपने को याद रहेगा यहाँ से, ये दो टर्म दिखेंगी तुम्हें, दिख गई। तो ये एंगल थीटा कितना है 53 डिग्री। अब कुछ भी करो तुम, देखो सपोज आपकी इच्छा होती है कि सर मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैं आपके सामने निकाल के बताता हूँ, साइन थीटा, साइन 53, थीटा तो 50 डिग्री है, साइन 53, तो साइन थीटा यहाँ से देखिए दिस बाय दिस 4/5, कॉस थीटा देखिए बेस बाय दिस 3/5, टेन थीटा निकालना है निकालिए, टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब यदि आप कहेंगे कि क्या आया था, तो मेरे पास वैल्यू आई थी 10 इनवर्स 4/3, इसका मतलब 10 थीटा किसके इक्वल है, 10 थीटा आपका है 4/3, और 10 थीटा 4/3 है तो थीटा कितना है आपके पास में 53 डिग्री। तो आप उठा के यहाँ आंसर क्या लिख देंगे, 53 डिग्री। पर अभी मैंने बिगिन किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चन इस तरह का आएगा, पर क्या यही आएगा, इज़ इट पॉसिबल, थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, यहाँ 4 sin ωt कर दिया और यहाँ 3 cos ωt कर दिया, तो डरोगे नहीं तुम कभी भी, कभी नहीं डरोगे, आप कुछ मत करोगे सर ये यहाँ 4 कर दिया तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ अपने आप 5 आएगा, थीटा बदल चुका होगा, कर लोगे। हाँ एक और काम करना, आपको अच्छी तरह से पता है साइन 53 यदि आपका 45 डिग्री है तो जो वैल्यू आपके साइन 30 की होती है वो किसकी होती है, कॉस 60 की, और 60 + 30 कितना होता है 90। तो यहाँ यदि मैं कहूँ कि कॉस 37 की वैल्यू कितनी है तो कॉस 37 भी आपके पास कितना होता है 4/5, और यदि मैं यहाँ कहूँ कि साइन 53 की वैल्यू कितनी है तो वो मेरे पास कितना होता है, इट इज़ गोइंग आउट टू बी सिंपली नथिंग, सॉरी साइन 37 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3/5। तो चाहे साइन है, चाहे कॉस है, चाहे 53 है या कुछ भी है, यू कैन डू इट क्वाइट इजी।